अरे उसको खोल लेना, वो है तो उसका टायर। तो टायर आप सिर्फ यहाँ से वहां ले जा सकते हो, उसके बाद आपको ऐसे जाते 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 और यहाँ पर रुके और इसको नीचे करना पड़ा, नहीं उठा पा रहा। तो गाइस एक बैड न्यूज़ है, जो भी मेक माई ट्रिप से मैंने वो बस करी थी उनका टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो गया, 9:45 से सीधा 11:45 हो चुका है, तो कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। तो अभी मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। पर कोई नहीं, हमें जाना तो है, तो हम लोग निकल रहे हैं एंड ऊबर बुक कर चुका हूँ मैं। 11:45 इज़ वेरी लेट। और एक और चीज़ कि उन्होंने बस ये बोला कि क्या बोलते हैं, हम मॉर्निंग में आपको वहाँ पे टाइम पे पहुँचा देंगे, बस हाफ एन आवर का डिफरेंस होगा। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। चलो मम्मी, पहुँच गए गाइस हम सेक्टर 21। प्लान ये है कि अभी हम लोग यहाँ से कुछ खाएंगे, देन हम लोग कश्मीरी गेट के लिए निकलेंगे। वाह, क्योंकि घर पे कुछ बना नहीं था। रहने दे तू। गाइस जैसे है कि आप देख सकते हो नीरज को पिज्ज़ा पसंद नहीं है, पर यहाँ पे बाय वन गेट वन देख के आप समझ ही जाओगे कि बंदा यहाँ पिघल गया। बस ये खाइए और 2 महीने में बॉडी बनाइए। इतना सब कुछ खा लिया इसने अकेला और अब बोल रही है कि कुछ मज़ा नहीं आया। हाँ थोड़े से राइस बॉल हो जाते हैं। हाँ ये फाइनली बस में चढ़ गए हैं हम और भीड़ है। क्या पसीना सुखाते हुए, अभी बारी नहीं आई, नाम भी नहीं लिया, 2 घंटे हुए, 2 घंटे। तो गाइस फाइनली लेट गए, मतलब आ गए बस के अंदर, बोर्ड हो गए। चिप्स चाहिए उसको अभी, तो हालत ख़राब हो गई इस बस में बैठे बैठे, मतलब एंटर करने के लिए। क्या चाहिए था? चिप्स वाले चने, पता नहीं इसका टेस्ट क्या ही हो रहा है भाई। ये कभी स्टिंग बोल रही, कभी चने मिक्सचर, इतनी क्या क्या यार भाई, चुप हो चुप। तो पहुंच गए हम लोग ब्राह्मण वाले चौक पे देहरादून में, रिक्शा करके अभी यहाँ से। फिर दोबारा सो गई हमेशा की तरह। वैसे रिक्शा ले लिया हम लोग आज बंसल होम की तरफ जा रहे हैं। ये चाचा चाची का घर है, वहाँ पहुँच गए गाइस। चाची के घर पे पहुंच गए थे एंड अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा धो के एंड ओला करिए, मतलब सॉरी ऊबर करिए, ओला नहीं करी। तो ऊबर वाले भैया आ रहे हैं, मुक्तेश्वर टेंपल के लिए हम लोग रवाना होंगे अभी। गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग, ये लो तो गुफा से होके आ चुके हैं हम लोग। अब जा रहे हैं हम लोग माता के मंदिर में, जो कि नदी क्रॉस करने के बाद है। पानी बहुत कम हो चुका है, पहले जब आया था मैं तो काफ़ी ज़्यादा पानी था यहाँ पे। दर्शन होके हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आ गया। ज़्यादा नहीं थक गया तू? हाँ पहले ही मिलाना था, अकेले खाते हुए डोसा।
गाइस पनीर डोसा फिनिश किया एंड प्लेन डोसा खुशबू ने खाया, चाची ने कुछ खाया नहीं, मतलब जूस पिया बस। तो अब लोग हम यहाँ से वापस घर के लिए निकल रहे हैं। हम तो आपको बल्लूपुर चौक छोड़ देंगे या फिर घर में आपको। गुच्छू पानी तो खुला है ना, विशाल बोल रहा था कि 6:30 बजे तक खुलता है। वो कह रहा था वीकेंड पे ज्यादा देर तक खुलता है वैसे। वो डियर पार्क तो अभी बंद हो जाएगा, वहाँ तो पानी पैरों तक भी नहीं आएगा। गुच्छू पानी तो क्या हम चम्मच ले जाए? भाई का वेट कर रहे हैं कब से, आजा। तो उसको वैसे वेट ही कर रहे हैं, अभी तक इनके भाई आए नहीं। हमेशा लेट, 10-12 कॉल करने के बाद हम बुद्ध टेंपल पहुंच चुके हैं। तो एंटर कर रहे हैं मंदिर। अब बोलो चाची, अब कह दिया कल आएगा वो, कल जब हम चले जाएंगे ना। मुझे भी ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, पर नहीं, यहाँ पे आप गलत हो। ओ एकदम कॉल आ गया, चल 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 उठा उठा देखते हैं। हेलो, हाँ किधर हो तुम? हम अंदर हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं। चलो ठीक है, अंदर आ जा भाई, कल आएगा क्या? जल्दी आ भाई, टाइम से। ठीक है, आ गया आ गया आ गया, चलो आ गया। भविष्यवाणी गलत होते हुए यहाँ पे ये, ये मर्सिडीज है, वो भी ऐसा लग रहा है एस्टीम नहीं थी, एक 1986। ओ भाई साहब, मैं तो डर गया, मैंने जस्ट देखा ना फोटो। हेलो, लगा कौन बैठा हुआ है। हाँ वही तो, मेरे को पहले लगा, मैं एकदम से डर गया। यहाँ सब भूले थे आप देख रहे हो, ब्लॉग ने रे प्लान से 5 घंटे बाद ही बुद्धा टेंपल पहुंचे। 5 घंटे? ये तो कम किया तूने, ये तो मैंने कम करा है। वैसे इसको कल बता दिया था कि आज हम आ रहे हैं, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूंगा, बस जरा बच्चा पढ़ाई कर रहा था, जरा ही कर रहा था, वैसे तो पास हो ही जाएगा तू। चाची कुछ बोल रही थी, चाची कुछ कह रहे थे आप? चाची कह रही केशव कहाँ रह गया चाची? रेल बना दूंगी लोग तेरी, सांस नहीं लिया जा रहा। क्यों चाची, ऐसा क्यों, सांस क्यों नहीं लिया जा रहा? इसलिए चाची पे चार नहीं चढ़ी, सांस रुक गई, चाची से सांस नहीं लिया जा रहा। चाची बाहर का कुछ खाती ही नहीं है, तो अब चाची के लिए सोच रहे हैं क्या खाएगी चाची। जूस नहीं पियेंगे चाची, हम खाएंगे मोमोज और कुछ और मिल जाए तो वो भी नो। अरे केशव कहाँ गया? केशव तो गायब हो रहा है हर 2 मिनट में। केशव फ्री पे मिल रही है स्प्राइट। वो बोल रहा है कि एक बोतल हमें ही दे दे, हमारी नहीं है वो। अच्छा ये है ना वाई वाई जो वो डाला, ये तो हमने इसमें खाया, पता नहीं इसमें खाया। तो
गाइस बुद्धा टेंपल घूम लिया, अब लोग जा रहे हैं यहाँ से। एंड जो अभी खाया हमने बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, जिसका नाम लाफिंग समथिंग कुछ था, एंड मुझे तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आई बल्कि रोना और आ गया खा के। तो चलते हैं गाइस, एक ही खाया मैंने वैसे 20, निकलते हैं गाइस पार्किंग में। मैं विनोद हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, मार्केट तो यहाँ पे पूरी बंद है, आधी दुकानें हो गई हैं बंद, आधी नहीं यहाँ तो मुझे पूरी दुकानें बंद दिख रही है। और ये बोल रहा है 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, जैसे इसने 10 मिनट आने में लगाए वैसे ये 10 मिनट दुकान पे लेके जा रहा है हमें, पैदल ले गया रिक्शे का किराया। आगे मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। ले लो बट आप लोगों ने ली नहीं, भाई स्कूटी एक थी, एक ही स्कूटी में तीन लोग बैठेंगे अच्छा लगेगा। आईडिया किसने दिया था ट्रिपिंग का, आप ले लो। दिल्ली वाले लोग हैं, ट्रैफिक, हम भी, हमें भी मौका मिलेगा हमारे यहाँ आइए सेवा पानी की, हम मौका देना। सही बात है, बस तो सही। तो गाइज ये है बहुत फेमस दुकान यहाँ पे, राजेश बन टिक्की, जो कि हमें इसने बताया, और इसको तो कुछ भी दे दो ये खा लेगा, और मैं भी खाने जा रहा हूँ बन टिक्की। मैंने पहले मना किया पर भाई बिजी है ना, घूमने आया है, यहाँ पे वीडियो कॉल आया, दिल्ली पे थोड़ी ना है। ये प्यारा लग रहा है, किस पत्ते में दिया ये पता ही नहीं चल रहा, कौन सा पत्ता है ये? पत्ता है, होता है कुछ पत्ता, कौन सा पत्ता है? नहीं भाई इसलिए बिजी थे इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाए हम। हाँ मतलब पहली बार, मतलब मेरे को ये इतनी टेस्टी लगी है। क्यों लगी टेस्टी? क्योंकि ये काफी पुरानी दुकान है ना, बनाने का तरीका होता है, टेस्ट आना चाहिए। अच्छा कितने रुपए दिए अंकल ने आपको? फ्री में मिला ये। अच्छा और फ्री का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। लगता तो यार एक चीज तो विनोद ने अच्छी बोली वैसे, एक चीज नहीं तो वो क्या खिलाया था उसने पहले? लाफिंग, लाफिंग, उससे तो रो, हाँ उससे तो रोना आया था मुझे। हाँ उससे नीरज रो गए थे, बट ये नीरज ने खा लिया। आपको अच्छी लगी थी वो लाफिंग में? पता नहीं कैसे अच्छी लग गई इसको। आ चुके हैं वापस घर पे, चाची के घर पे, तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।